फ्रेंड्स, आप लोगों को लॉ ऑफ डोमिनेंस क्लियर हो गया होगा कि मेंडल ने कहा था कि जब हम दो प्योर पेरेंट्स को क्रॉस करते हैं तो जो हमारा हाइब्रिड आता है उसके अंदर जो कैरेक्टर होगा वो एक ही पेरेंट का एक्सप्रेस करेगा और उसको हम लोग बोलेंगे, जिस पेरेंट का कैरेक्टर एक्सप्रेस करता है उस जीन को हम लोग क्या बोलेंगे, डोमिनेंट, और जिसका हाइड कर जाता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिसेसिव। तो मैं यहाँ पर एक दो टर्म और यूज करने वाली हूँ, वो मैं आपको पहले ही क्लियर कर देती हूँ। ये मुझे इरेज करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा स्पेस कम है। करेक्ट, हाँ। तो जो ये जो चीज होती है और ये जो पेरेंट्स, ये यहां पर मैं टर्म यूज कर रही हूँ होमोजाइगस, होमोजाइगस डोमिनेंट। अब डोमिनेंट और रिसेसिव तो आपको क्लियर हो ही गया होगा कि डोमिनेंट रिसेसिव क्या होते हैं, और यहां पर मैं यूज कर रही हूं होमोजाइगस रिसेसिव। करेक्ट, और एक और टर्म जो हमारे पास हाइब्रिड आई उसके लिए मैं यूज करूंगी हेट्रोजाइगस कंडीशन। ठीक है, तो होमो का मतलब क्या होता है, होमो का मतलब सिमिलर, होमो का मतलब ही सिमिलर होता है, इसलिए मैं यहां पर क्या, क्योंकि यहां पर हमारे पास दो एलील्स हैं, दोनों के दोनों एलील्स हैं, यहाँ पर एक वर्ड मैं और इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, एलील्स या एलिलोमॉर्फ्स, अभी हम उसकी बात करेंगे कि क्या होता है। तो होमोजाइगस किस लिए यूज करें, कि यहाँ पर जो ये दोनों एलील्स हैं वो क्या है, सिमिलर है, ये भी कैपिटल है, ये भी कैपिटल है, तो अब क्योंकि जो कैरेक्टर है वो जो आया वो इसकी वजह से वो ये एक्सप्रेस करता है, इसलिए इसको नाम दिए डोमिनेंट, कि इसमें सिमिलर एलील्स हैं डोमिनेंट कंडीशन में। इसमें भी क्या है, सिमिलर कंडीशन में स्मॉल स्मॉल, लेकिन ये इसके कैरेक्टर हाइड हो जाते हैं, इसलिए इसको रिसेसिव नाम दें, इसलिए होमोजाइगस रिसेसिव। यहाँ पर देखो जो दोनों एलील्स हैं वो डिफरेंट हैं, डिसिमिलर है, इसलिए हेट्रो, हेट्रो का मतलब ये होता है डिसिमिलर, डिफरेंट। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पर ना तो डोमिनेंट यूज किया ना ही रिसेसिव यूज किया है, क्यों भाई, क्योंकि भाई ये तो वेल नोन चीज है ना कि भाई इसमें जो कैरेक्टर है वो इसका आ रहा है, तो ये तो ऑब्वियसली होगा ही डोमिनेंट, मैं रिसेसिव डोमिनेंट वाली तो बात ही नहीं है। तो आप लोगों के जो क्वेश्चंस है ना वो इस तरह से आएंगे, आप लोगों को इस तरह से ये केस नहीं देंगे, वो आपको ऐसे बोल देंगे कि भाई आपका इस तरह से एक पर्सन है जिसका जो कंडीशन है वो आपकी होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन है, तो होमोजाइगस डोमिनेंट का आपको वेल नोन चीज होनी चाहिए कि इस तरह की बात हो रही है। करेक्ट, तो बात करते हैं हम लोग एलील्स की, अभी जो मैंने नाम लिया एलील्स का, तो ये होते हैं, ये दीज आर द ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ अ जीन, एलील्स या वी कैन से एलिलोमॉर्फ, ये दोनों एक ही चीज है, दोनों एक ही चीज के नाम है, आप एलील्स कह लो या एलिलोमॉर्फ कह लो, दीज आर द ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ अ जीन। वैसे जिस चीज को हम लोग आज जीन के नाम से जानते हैं ना, हम इनको जीन्स बोलते हैं आज के टाइम पर, हम लोग अगर बात करें तो जीन से निकलता है, लेकिन मेंडल ने इसके लिए जो टर्म यूज की थी दैट वाज अ फैक्टर। मेंडल की अगर हम लोग प्रिंसिपल्स अगर हम लोग कर रहे हैं तो वहां पर जीन की जगह हमें फैक्टर यूज करना है, हम आज के टाइम पर इनको जीन बोलते हैं, उस टाइम पर उसने इनको फैक्टर का नाम दिया था, बात क्लियर है ना। तो हमारे अंदर कोई भी, मैंने बता दी कि कोई भी कैरेक्टर आता है वो जीनोटाइप की वजह से आता है, जीन्स की वजह से आता है। करेक्ट, तो ये जो जीन्स है ना वो पेयर्ड, ये एलील्स की फॉर्म में आते हैं, मतलब पेयर्ड कंडीशन में होते हैं। करेक्ट, जब अभी मैंने जो आप लोगों को लॉ ऑफ डोमिनेंस समझाया तो उसमें जो मैंने ये चीज लिख के हाइब्रिड बनाए है ना, तो उसमें पहले ये गैमेटोजेनेसिस होगी। अभी गैमेटोजेनेसिस क्या होती है भाई, गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमेट की जनरेशन, मतलब गैमेट का जनरेट होना, गैमेट का बनना इज नॉन एज गैमेटोजेनेसिस। तो जो ये जो चीज मैं दिखा रही हूँ ना, ये दीज आर द गैमेट्स। करेक्ट, जब गैमेट्स बनते हैं ना तो ये अलग अलग गैमेट के अंदर चले जाते हैं जीन्स। तो जब हमारे पास हाइब्रिड आते हैं तो एक पेरेंट से एक आएगा, एक ये आ गया और एक पेरेंट से ये आ गया, तब एक हाइब्रिड बनता है, बात क्लियर है ना। मतलब हमारे अंदर जो जीन है किसी भी कैरेक्टर के लिए एक पेयर जीन होता है, इसके लिए भी लॉ उसने बोला था लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर, कि हमेशा पेयर्ड कंडीशन में फैक्टर्स आते हैं, मतलब पेयर्ड कंडीशन में जीन्स आते हैं जिनमें जिस पेयर के अंदर एक एलील तो आएगा हमारे पास मदर से और एक आएगा फादर से, बात क्लियर है।
तो ये जो है इनमें एक तो आ गया इधर से और एक आ गया इधर से, तब कोई भी कैरेक्टर अगर अपीयर होता है तो उसके लिए एक पेयर ऑफ जीन्स का होना जरूरी है। बात क्लियर है? तो अली सब आपको समझ में आ गया होगा। और लॉ ऑफ डोमिनेंस भी, सेकेंड लॉ जो हमारा है वो हमारा क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। देखो भाई, सेग्रीगेशन मतलब सेपरेट होना, सेपरेट, सेग्रीगेट मतलब सेपरेट होना, अलग अलग होना। अभी मैंने आपको जो गैमेटोजेनेसिस बताई है ना, टी टी, तो अभी मैंने क्या बोला था कि जो ये बेशक इकट्ठे हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि ये जो चीज है कि ये बेशक इधर आ गए इकट्ठे, लेकिन जब गैमेट की फॉर्मेशन होती है तो जो एलील्स हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, मतलब सेपरेट हो जाते हैं। मतलब ठीक है, बेशक फर्स्ट एल से लेकर टेंथ तक मेरे जो बेस्टी है मेरे साथ पढ़ा हो, लेकिन इलेवंथ में आने के बाद वो क्या करेगा, उसका अगर मन आर्ट्स लेने का तो वो आर्ट्स लेगा, सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है भाई, टेंथ तक तो भाई कॉमन क्लासेस होती है, लेकिन बाद में जो रूल है वो क्या है, उनको पढ़ाई की वजह से सेपरेट करा देगा। तो इसमें क्या है, उनको गैमेटोजेनेसिस की वजह से जो एलील्स हैं वो अलग अलग गैमेट में चले जाएंगे। बात क्लियर है ना? तो दैट इज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, या फिर हम लोग इसको एक और नाम देते हैं, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। क्यों भाई? क्योंकि गैमेट जो है वो प्योर होते हैं, गैमेट्स में सिर्फ एक ही एलील मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा, मतलब वो प्योर होंगे, इसलिए इसको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि गैमेटोजेनेसिस के टाइम पर जो एलील्स हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं, जो गैमेट है वो प्योर होता है। तो ये वाला लॉ भी क्लियर होगा, करेक्ट। नेक्स्ट हम लोग एक और टर्म है हमारी मोनोहाइब्रिड और डायहाइब्रिड क्रॉस, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करेंगे। अभी के लिए आपके दो लॉज क्लियर हो गए होंगे, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने ग्रुप पर ही। तब तक के लिए बाय बाय।